अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मैं डिग रोड पर मौजूद हूँ और सामने जी यू 40 लोकोमोटिव के साथ जो है 41 अब कराकरम एक्सप्रेस पास होगी डिग रोड स्टेशन से। नाइन डबल ज़ीरो थ्री आज लीड कर रहा है 41 अब को। ये पास हुई हुई कराची से लाहौर के लिए 41 अप कराकरम एक्सप्रेस जो कि फैसलाबाद से जाती है लाहौर की तरफ। ये देखें, डिग रोड स्टेशन पे रश इस टाइम पर, और इस टाइम पर आ रही है ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जिसका तमाम ही रश आ रहा है। तो ये आ जा रहा है ZCU-30 के साथ, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का रैक जो कि अराइवल ले रहा है डिग रोड स्टेशन पर 6312। जो उल्टा लगा हुआ है 17-15 नंबर देने की एन आ रहा है, बाकी सारी CFI और जर्मन कोचिज है। तीन नंबर ही बहुत अच्छी कोचेज है। ये इसका अराइवल हो चुका है 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का डिग रोड स्टेशन पर। ये देखें, अगर जूम करके दिखाऊं, कराची से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट के दरमियान चलती है, लाहौर से होती हुई गुजरती है। तो मेरे साथ नुमान मौजूद हैं और इस टाइम पर असर की अजानें भी हो चुकी हैं। यहाँ पर सर्दियों का मौसम है ना, जिसकी वजह से असर की अजान जल्दी हो रही है। सो आज 27 नवंबर है, इतवार की शाम हो रही है। तो ये अब चलना शुरू हो चुकी है, तकरीबन 4:11 हो रहे हैं। 3:30 बजे कराची से चल रही है ये ट्रेन, पहले चलती थी 2 बजे, तो अब इसका टाइम जो है 3:30 बजे कर दिया है। वैसे कराची कर्ण स्टेशन से डिग रोड का जो डिस्टेंस है ट्रेन के अंदर वो तकरीबन 10-12 मिनट का है, लेकिन ये ट्रेन आज लेट डिपार्ट किया है इसने कराची कर्ण स्टेशन से। तो अब ये सियालकोट की तरफ रवान दवा है ट्रेन। तो इकॉनमी क्लास पर ये ट्रेन होती है कम्प्लीटली, इसमें कोई एसी आपको नहीं मिलेगा ट्रेन के अंदर, टोटल इकोनॉमी क्लास है। तो हमारी गुजारिश है कि भाई इसमें एक नए कोचेस तो दी जाए, ताकि कुछ मुसाफिर होते हैं जो कि कंफर्ट जोन उनका वो होता है कि वो एसी के अंदर ही सफ़र करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए कम से कम एक आध कोच तो लगाई जाए। तो यह है कराची से सियालकोट के दरमियान चलने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जो कि अपने पैसेंजर समेट चुकी है डिग रोड स्टेशन से। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।